क्या बात है मन्नी, करा रहा है देख ले, अभी मक्खन पिघल रहा है, देख रहा है, इसे कहते हैं भाई प्यार। ढाबे की दाल, ये है जी दाल मखनी। पीछे दूध देख रहा है मन्नी, इस दूध को काढ़ा जाता है, थोड़ा गाढ़ा किया जाता है, तब जाके वो टेस्ट आता है। एक्चुअली में ग्रेवीज बना के रखी हुई है सारी की सारी। चने पड़े हैं, चने ये देखो भैया ने ये भी बनाए हैं जस्ट अभी, ये तड़का मार के बनाए हैं। थोड़ा पकड़ो, पता आप चार पराठे लपेट चुके हो, पर ये भी टेस्ट कर लो। क्या बात है यार, मतलब भाई आप जितना बटर खा सकते हो वाइट वाला आप खाओ, इन्जॉय करो। ये देख रहे हैं बन्नी, ये देख कड़ी, ये आएगा भाई आपकी प्लेट में वाइट बटर के साथ। और भाई इनका वाइट मक्खन तो मतलब भैया जी कहाँ आ गया हूँ, गुलशन द ढाबा मूर्थल। और भैया पराठे खा रहे हैं, जब से लॉकडाउन खुला ना बहुत क्रेविंग हो रही थी, दोस्तों को इकट्ठा कर लिया और आ गए हम जी गुलशन। चलते अंदर किचन में, दिखाते हैं उनका वाइट बटर मक्खन और पराठे भाई, वो भी सुपर क्रिस्पी, और साथ में इनकी अदरक इलायची वाली चाय जो कि मस्ट ट्राई है। चले अंदर आ जाओ भाई। तो ये देखो भाई कहाँ पर आ गए हैं, गुलशन द ढाबा। जी हाँ, और भाई साहब मतलब जब से लॉकडाउन खुला ना मन्नी, तो सबसे पहले ज़्यादा क्रेविंग मेरे को थी यही कि मूर्थल के पराठे खाने की। तो भैया मूर्थल में अगर आप आ रहे हो ना, तो सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो है गुलशन ढाबे का। मुझे नहीं पता, सबके अपने अपने प्रेफरेंस है। अब ये देखो ये स्टफिंग करे जा रहे हैं, ये आलू प्याज की स्टफिंग है। और देखो भाई हेयर कैप पहन रखा भाई ने, मास्क भी पहन रखा है, और उस भाई ने मास्क पहन रखा पर हेयर तो है नहीं। तो ये देख रहे हो, अब ये लग रहा है भाई ताज़ा, एक बंदा लगा रहा है, एक बंदा स्टफ़ कर रहा है। और ये जो पीछे पराठे पड़े हैं ना, ये हाफ डन करके रख देते हैं, और जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा तो एकदम से तंदूर में दोबारा से इसको करारा किया जाता है और आपके प्लेट में सर्व किया जाएगा विद वाइट बटर। तो ये देख रहे हो भाई स्टफिंग इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हो कि धनिया है, प्याज है, मसाले हैं, आलू है, सब चीज़ें डाली हुई हैं। और ये थप्पड़ लगे जा रहे हैं पराठों पे, और ये लगे जा रहा है। आप तंदूर दिखाते हो, ये देखो भाई गर्मा गर्म पराठे तंदूर के अंदर, और ये देखो रेडी हो रहे हैं। ये देख रहा है, अब ये आएगा भाई आपकी प्लेट में वाइट बटर के साथ। और भाई इनका वाइट मक्खन तो मतलब स्पेशली मैं अगर बात बोलूँ ना, तो पराठों के साथ वाइट मक्खन मूर्थल में ही मिलता है। एक्चुअली में दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, बट अब बहुत सारे लोग कॉपी करने लगे कि मूर्थल के पराठे इन दिल्ली। जो मज़ा यहाँ है वो बाहर नहीं है। बहुत बढ़िया, अब दिखाऊँ जरा वो वाइट मक्खन जो एक्चुअली इसके ऊपर डलता है, और दिखाते हैं इनकी बढ़िया सी चाय। और ये रहा भाई हमारा वाइट बटर, जो कि भैया ये आप अपना ये यहाँ पे फ्रेश बनाते हो? बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं भाई, एकदम बढ़िया लग रहा है। देख रहे हो ये पूरी कटोरी भर के आती है ना, नहीं वैसे एक बताओ इसके पैसे अलग होते हैं? नहीं सर, पराठे के साथ। अच्छा पराठे के साथ ही है। क्या बात है यार, मतलब भाई आप जितना बटर खा सकते हो वाइट वाला आप खाओ, इंजॉय करो। मन्नी कह रहा है मुझे एक पराठा इसी का डाल के दे दो, है ना भाई। टैग करो उस दोस्त को जो बहुत टाइम से मूर्थल नहीं आया पराठे खाने के लिए, और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट ढाबा कौन सा है। भाई मेरा तो गुलशन है, क्योंकि गुलशन के जो पराठे होते हैं ना काफ़ी करारे होते हैं, मसालेदार होते हैं, और इनका वाइट बटर भी बहुत बढ़िया है, चाय भी बहुत बढ़िया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको चाय, और उसके बाद करते हैं हम टेस्टिंग, और आपको बताते हैं टेस्टिंग में मेरे पास क्या क्या है। तो ये देखो भाई ये बन रही है भाई इनकी बढ़िया सी चाय। पीछे दूध देख रहा है मन्नी, इस दूध को काढ़ा जाता है, थोड़ा गाढ़ा किया जाता है, तब जाके वो टेस्ट आता है एक्चुअली में। ओ भैया, अब भैया सर्व करेंगे, सर्व कर दो भैया। और ये भाई गिलास कांच के इतने फेमस है ना, मतलब ये स्ट्रीट फूड स्ट्रीट स्टाइल चाय। ओ हो भाई बोल रहा हूँ प्लान बना लो, जल्दी से आ जाओ और टैग करो उस दोस्त को जो बहुत टाइम से मूर्थल नहीं आया पराठे खाने स्पेशली। ये देख परफेक्ट। और ये देखो भाई सिर्फ और सिर्फ पराठे ही नहीं मिलते यहाँ पे भाई, लच्छा पराठा लो, सब्जी लो, ढाबे की दाल, ये है जी दाल मखनी, बढ़िया दाल मखनी। इसको तड़का मारते हो? इसको अलग से तड़का भी मारा जाता है। ये देख रहे हो अदरक लहसुन प्याज के अंदर लंबे लंबे अदरक। ओ भाई साहब, मतलब भाई ये तो मतलब अच्छा जी, टाइमिंग तो 24 घंटे है ना? जी जी 24 घंटे खुला हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, मतलब दिल खुश हो जाएगा ढाबे की दाल खा के। बाकी सब्जियाँ भी पड़ी हुई हैं आप देख सकते हो, ये है जी पालक, इसके अंदर आप पनीर डाल दो तो पालक पनीर बन जाएगा। सब्जियाँ ग्रेवीज बना के रखी हुई हैं सारी की सारी। चने पड़े हैं, चने ये देखो भैया ने ये भी बनाए हैं जस्ट अभी, ये तड़का मार के बनाए हैं, वो रही पनीर की ग्रेवी। और वो लास्ट वाला क्या है, कड़ी, कड़ी ये देखो भाई कड़ी, ये देख रहा है बन्नी, ये देख कड़ी भाई साहब। अब भाई बिल्कुल लग रही बड़ी भूख, पराठे मंगवाते हैं, चाय मंगवाते हैं, पकोड़े मंगवाते हैं, और करते हैं टेस्ट।
तो भाई ये देखो भाई, खाना आ चुका है हमारा, और ये रही भाई ढाबे वाली दाल मखनी। मैंने आपको अंदर भी दिखाई थी भाई, कितनी बढ़िया लग रही थी एकदम। तो मैंने कहा भाई एक ऑर्डर करनी तो बनती है। सिरके वाले प्याज, वाइट बटर, एक्चुअली में वो जिसके लिए एक्चुअली लोग यहाँ पे आते हैं मक्खन खाने के लिए। ये देख, ओ हो पाजी, ये देखो क्या बात है, मन्नी करा रहा है, देख ले तभी मक्खन पिघल रहा है, देख रहा है, इसे कहते हैं भाई प्यार। ये है भाई हमारा मन्नी का बड़ा भाई। तो अब टेस्ट करें, एक बार करते हैं टेस्ट, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा डाइटिंग पे, तो मैं एक बाइट लूँगा बस। ये राजी मक्खन थोड़ा, इतना तो खा ही सकते हैं, और ये थोड़ी दाल मखनी डाली। ओहो, पूरे दो साल बाद आ रहे हैं, दो साल बाद आए हैं ये खाने के लिए। एक्सट्रीम गुड, ट्राई करो भाई, सुपर गुड है। भैया ने हरी मिर्ची डाल दी, मैं खाता नहीं, बट इट्स गुड, वेरी गुड, एकदम करारा है, मज़ेदार है भाई। चाय का अपना ही, चाय का एक अपना ही मजा है, अच्छी है, पूरा फुल है, पूरा आलू प्याज पूरा भरा पड़ा है भाई। मन्नी मतलब मज़ा आ जाएगा तेरे को, मन्नी का देसी भाई सफेद मक्खन। और ये हमारे मिक्स पकौड़े, एक आधा ले लेता हूँ, गोभी का ले लेता हूँ, आलू नहीं खाना। हरी मिर्च गरम है, पुराना जी आ जाओ, पकड़ो पकड़ो, पता आप चार पराठे लपेट चुके हो, पर ये भी टेस्ट कर लो जरा। मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि माइक मेरे पास लगा है, आप टेस्ट करो भाई दाल मखनी के साथ पराठा। तू कितने टाइम बाद आ रहा है? करीब तीन साल हो गए, ज़्यादा हो गए। कहाँ गया था 3 साल पहले? पहले कोविड के चक्कर में रह गए घर के अंदर भाई, वो तो सभी लोग रह गए कोविड के चक्कर में। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, भैया ने मास्क पहन रखा है, इनके सारे स्टाफ ने मास्क पहन रखा है, किचन में जो काम कर रहे हैं, हेयर कैप भी पहन रखा है, मास्क भी पहन रखा है। ग्लव्स नहीं पहन सकते क्योंकि अंदर बहुत हीट है, तंदूर में ग्लव्स यूज़ नहीं होते। अब बता भाई टेस्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि गुलशन ढाबा इज़ बेस्ट। इस लाइन के अंदर मुझे पहलवान भी पसंद है, बट गुलशन मेरा फेवरेट है एक्चुअली। फ्रेश है, करारे। आपको शायद याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने तीन लिए थे ना, पर गुलशन जीता था उसके अंदर शायद। भाई टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया है, और डिफरेंस पता चल जाता है, देखो गो गुड। यहाँ पर आके बताना मेरे को कैसा लगा, अब मन्नी टेस्ट करेगा। तो ये देखो भाई, मन्नी डाल रहा जी अब बटर, बिना बटर के तो मज़ा ही नहीं आएगा। हाँ मन्नी का तो भाई है ये, बड़ा भाई। ये लो, ये अभी भी करा रहा है, अभी भी बहुत करा रहा है ये। इसने नया पराठा लेना, नीचे वाला मेरा पराठा था, और ये ज़बरदस्त लग रहा है यार, चीज़ बढ़िया है भाई। मतलब आप ये समझ लो मंथ में एक बार तो आके खा ही सकते हो, अगर आप दिल्ली रहते हो या आसपास कहीं रहते हो। पहले बटर के साथ फिर एक दाल के बाद, दाल वाकई बहुत बढ़िया है, सही है। ये देखो भाई पराठे ही पराठे पड़े हैं, ये हमारे खुराना जी कस्टम लॉयर हैं, है ना, पांचवा लपेट। और भी कुछ चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या है। और ये हमारी चटपटी सिखा, नई गाड़ी लिए क्रेटा में जा रहे हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हाँ, पर अब आशिकी करने नहीं जा रहे, हम जा रहे खाने पीने। बढ़िया भाई, तो मिलते हैं आपको जल्दी से एक नई वीडियो के साथ, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कर दो यार, थैंक यू।